हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय अनिल राय सर। मैं अनिल राय आपका वेलकम करता हूं और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलनों के अनुप्रयोग। और इंटीग्रल का यूज मैनली कहा होता है, इंटीग्रल मैनली यूज टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रल का यूज होता है। ठीक है, समाकलन का उपयोग कहाँ होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर्व के बीच का। तो कर्व के बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कर्व का ग्राफ बनाना जरूरी है, ग्राफ आना चाहिए। यदि आपको ग्राफ नहीं आ रहा तो आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। फिर उसी ग्राफ से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे और इनिशियल पॉइंट मालूम होना चाहिए, फाइनल पॉइंट मालूम होना चाहिए कि कहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर ये एंड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ग्राफ जो दिया रहेगा उसमें टू पॉइंट दिए रहेंगे जिनके अंडर हमको ग्राफ निकालना है, सॉरी एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो पॉइंट गिवन रहेंगे वो पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, लिमिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन, कौन से इंटीग्रेशन का यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसमें लिमिट का यूज होगा, क्योंकि एरिया लिमिटेड रहेगा। अनलिमिटेड तो फाइंड आउट नहीं करना, लिमिटेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमको एरिया निकालने से पहले तो आपको कुछ ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, तो वो ग्राफ्स आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, y इक्वल एक्स हो या y इक्वल एम एक्स दो, उसका ग्राफ यही रहेगा। और कहां से पास होगी, हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ये फर्स्ट फॉर्म है ग्राफ का, किसका, y इक्वल एक्स और y इक्वल एम एक्स का। ठीक है, इनिशियल पॉइंट जीरो से पास होगी, जीरो जीरो से ओरिजिन से। एंड सेकेंड वाले y इक्वल मॉड एक्स, अब इसमें मॉड लगाई थी, मॉड हटा दी, तो ग्राफ यही कही था y इक्वल टू एक्स। अब जब भी आपको पास किसी भी फंक्शन में मॉड लगा हो तो आप उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखिए ये जो मैंने डायरेक्टली बना के बताया, अब ये बनेगा कैसे देखिए। सपोज ये पहले हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मॉड हटेंगे, हम हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाई इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो मैंने वाई इक्वल टू एक्स का ये वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में सपोज कीजिए कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या चीज है, मिरर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या है, मिरर है। तो आपको जो बिलो द एक्स एक्सिस जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज बनाना है अपर साइड में। तो ये लोअर पार्ट का जो मिरर इमेज कहां बनेगा, अपर साइड में। तो ये जब मिरर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, ऊपर बन जाएगा। ये जो मिरर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। और किस टाइप से बन जाएगा, देखिए इस टाइप से, ये इसको हटा दिया जाएगा, ये आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है ना, अब इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन किसी तरह रहती है, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल में वन होता है। ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट अंतःखंड बोलते हैं हिंदी में, अंतःखंड किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस का, और ये किसका रहेगा, वाई एक्सिस का। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस टाइप से जाएगा, ये किसका ग्राफ बन गया, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल वन का ग्राफ। अब इसमें x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, a, तो ये बना दिया a, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट कौन है, b, ये बना दिया b। अब हमको इधर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो इस पॉइंट को a नाम दिया। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कौन सा, a है, तो इसका पॉइंट बन जाएगा a कॉमा, और इस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इन को y एक्सिस का चाहिए, तो ये y एक्सिस है, इस पर x वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और y पॉइंट कितना है, इसमें बी रहेगा। जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट यहां से कहां हो जाएगी, जीरो से ए तक हो जाएगी। हमको एक्स एक्सिस, देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको किसकी लिमिट की जरूरत पड़ेगी, एक्स की। एक्स की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से, कहां तक जाएंगे, ए तक। तो इस वाले ग्राफ में लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से ए। ठीक है, और नॉर्मल यदि हम इसका एरिया यदि हम लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू है, बेस इंटू पर डिस्टेंस हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए बी, इसका एरिया क्या रहेगा, हाफ ऑफ ए बी आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, किसका, सर्कल। अब देखिए सर्कल ब्रेथ,
व्रत का फार्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ए है वो ए क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो उसका ग्राफ किस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा। अब यहाँ पर आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए, इसका जो सेंटर जो रहेगा, सेंटर को क्या रहेगा, जीरो जीरो, ठीक है। अब हमारे पास देखिए रेडियस, त्रिज्या क्या है इसकी, इसका स्क्वायर घटा करेंगे ओनली रेडियस क्या कहलाएगी, ए। तो ये रेडियस ए, ये भी ए, ये भी ए, सब क्या रहेगा, रेडियस ए रहेगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, ए रहेगी। तो हमको यहाँ पर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ये पॉइंट किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, ए। तो ए कामा एक्स एक्सिस पर वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिमिट यदि हमको चाहिए रहेगी तो जीरो से क्या हो जाएगी, ए। लिमिट क्या रहेगी, जीरो से ए। अब इसमें अधिकांश टू टाइप से क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द होल एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। हम ओनली करेंगे क्या, देखिए इस पॉइंट को क्या हमारे पास में हो, ये ए और बी, ठीक है। हम इस ओए बी का ओनली एरिया निकालेंगे, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स हैं, कितने जितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एरिया भी हमको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब लिमिट क्या हो जाएगी, कहां से स्टार्ट हुआ ये, जीरो से, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो, कहां तक जा रहा है, a तक, ठीक है। ये केवल इतने पार्ट का एरिया मिलेगा, ये वाला हिस्सा हमको मिलेगा, लेकिन हमको पूरा एरिया निकालना है। इसे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यहां पर, 4 से, ठीक है। अब इधर से हम y निकाल लेंगे इस वाले इक्वेशन से, हां। अब एक बार कभी कभी हम इसमें, हाँ इसमें हम क्या करेंगे, डीएच लगा हुआ है, इस तरीके से ये स्लिप मूव कराई जाती है, इसलिए तो क्या नाम दिया जाता है, डीएच, ठीक है। अब कभी कभी बोल देते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब एरिया यदि हमको निकालना रहता है तो ये फोर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, फोर से कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब होल एरिया संपूर्ण क्षेत्रफल हमको निकालना रहता है तब, ठीक है। दूसरा आएगा आपके पास पैराबोला परवलय, ये फोर टाइप्स ऑफ इक्वेशन बनेंगे। सबसे पहला देखिए, हाँ इसमें सर्किल में एक और बात ध्यान रखिए, तो ये जो पाई ऑफ एक्स के जो कोएफिशिएंट हैं कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, गुणांक कितना होना चाहिए इनका, एक होना चाहिए, तभी ये सर्किल कहलाएगा, नहीं तो सर्किल नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पैराबोला परवलय, परवलय का पहला वाला फॉर्म देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर है। अब इसमें आपको ग्राफ बनाने में क्या ध्यान रखना है, यदि y में स्क्वायर है तो ग्राफ किस एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा, इसमें स्क्वायर हो, y में स्क्वायर है तो ग्राफ बनेगा x एक्सिस पे, तो किस टाइप से बनेगा, इस टाइप, ये किसका, पैराबोला का। अब ध्यान रखिए, जब स्क्वायर रहता है y में तो जो सिमेट्रिक स्क्वायर नहीं x एक्सिस, जैसा ऊपर बना है वैसे कहां बनेगा, नीचे बनेगा, तो ये सिमेट्रिक है, जब स्क्वायर रहेगा तो जैसे ऊपर पार्ट है वैसे कहां आएगा, नीचे पार्ट रहेगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो जीरो से, ठीक है। इसमें एस क्या कहलाता, फोकस कहलाता, फोकी, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहता है, ए कामा जीरो, ठीक है। और ये जो लाइन खींची है, इस लाइन को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम नाबिलम जीमा। अब इसमें यदि आपको एरिया निकालना हो, ये ओ एस और यहाँ क्या नाम दे देते हैं, बी। हमको ये पूरा एरिया निकालना है, हम केवल इतने पॉइंट का एरिया निकालेंगे, इसमें एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट कहां जाएगी, जीरो से स्टार्ट और कहां तक जाएगी, ए। तो जीरो से ए वाई डीएक्स कर देंगे, कितने पार्ट है इसे, टू। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा, टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसका, इधर प्लस का फोर एक्स का किसका कर देंगे, माइनस का, तो ग्राफ राइट हैंड की जगह कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, सेम टू सेम वही आएगा, बस प्लस ए की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का। अभी ये किसमें स्क्वायर चल रहा है हमारा, y में स्क्वायर है, इस वजह से ग्राफ किस एक्सिस पे बनना है, ओनली x एक्सिस पर। दूसरा फॉर्म देखिए, x स्क्वायर इक्वल कितना हो, 4ay। अब यहां नोटिस करिए कि किसमें स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, तो ग्राफ किस एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, और y एक्सिस पे कैसा रहेगा, सिमेट्रिक है, जैसा इस साइड है वैसा ही इस साइड रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है, सममित रहेगा। अब इसमें भी ध्यान रखिए, f जो है ये फोकस रहेगा, फोकी रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कामा ए रहेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट रेक्टम नाबिलम जीवा ना, सेकंड पार्ट इसी का। नेक्स्ट 4 प्लस का 4 ए वाई था, किसका गया, माइनस का 4 वाई। तो अभी जो अपर पार्ट में ग्राफ बनाया था उसे कहां कर दोगे, ग्राफ को लोअर पार्ट में कर दोगे, मतलब बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के नीचे ग्राफ बना दिया जाएगा।
अब हमारे पास में इक्वेशन स्लिप्स का दीर्घवृत्त का इक्वेशन कैसा रहता है, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल में वन रहता है। ठीक है, अब इसमें पहला ग्राफ में जब ए ग्रेटर देन बी, ए किससे बड़ा रहता है, बी से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, जब ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस पर इसकी जो लेंथ है वो बढ़ी जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यदि x के अपान में a स्क्वायर है मतलब x x की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, y के अपान में कौन है b, यहां क्या जाएगा b। अब पॉइंट देखेंगे इसमें x एक्सिस का पॉइंट कितनी डिस्टेंस तक है a का, a कॉमा, और x एक्सिस पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम आते हैं y एक्सिस पर, इसको b नाम दिया, तो y एक्सिस पर x क्या होता है 0, तो y की डिस्टेंस कितनी b, तो 0 कॉमा b। अब हमको यदि एरिया ऑफ क्या निकालना, एलिप्स निकालना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे इतने पार्ट पे एरिया निकालेंगे, ये इस पार्ट का हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे, और पूरे एरिया के लिए हमको क्या निकालना हो, पूरे का एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा 4, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, क्योंकि ऐसे कितने पार्ट है 4 पार्ट है 4, लिमिट क्या हो जाएगी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, कहाँ पे जा रहा है a तक, तो लिमिट इसमें हो जाएगी 0 से a n / dx। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया सेम। अब इक्वेशन वही क्या वही है, नाउ a इज लेस देन b, a से छोटा है b से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस x एक्सिस पर x के अपान में a है, इसकी डिस्टेंस a, और y के अपान में कौन है b, a के आ गया b, अब इनके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा a a कॉमा 0 एंड b का क्या हो जाएगा 0 कॉमा b रहेगा। ठीक, अब इसमें भी लिमिट वही हो जाएगी 0 से a, सेम टू सेम एरिया फोर से स्क्वायर का पूरा यदि एरिया हमको निकालना और ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोले तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखनी है एरिया ऑफ एलिप्स का, जब भी एरिया ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करने का बोले तो एरिया ऑफ एलिप्स दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वैसे याद भी करना और ये निकालना भी सिखाएंगे हम। इसमें क्या होता है एरिया ऑफ एलिप्स पाई ए बी होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इधर ए रेडियस मानिए तो पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के हेल्प से करेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग से क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट और अभी मैंने ग्राफ आपको समझाया, अब देखिए हम एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द ओनली वन कर्व, एक कर्व के नीचे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने कहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व गिवन है क्या y equal to fx and x axis and two sides गिवन रहेंगे इसमें। ठीक है, हमको निकालना है क्या y equal to fx और दी गई दो भुजाओं और x अक्ष के बीच के क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ देखिए फंक्शन क्या रहेगा आपके पास में y equal to fx और आपके पास टू लिमिट रहेंगी, एक x equal to a और x equal to b, तो ये x equal to a और x equal to b के बीच में। तो सपोज क्या, सबसे पहले मैं y equal to fx का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो y equal to fx का ग्राफ सपोज किया कि ये वाला है। ठीक है, ये क्या है y equal to fx का ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको x एक्सिस के बीच में x एक्सिस पर एक x equal to a, मान लिया कि ये x इक्वल टू कितना है a है और ये x इक्वल टू कितना है b है, तो ये जो टू साइड्स रहेंगी यहां से इन दोनों के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो हमको कौन सा वाला एरिया फाइंड आउट करना है, हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इस एरिया को हम नाम दे देते हैं a b c एंड डी, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इसमें एक स्लिप मूव कराएंगे हम, उसकी जो वाइथ है जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को हम कैसा पुश करेंगे एक्स एक्सिस पर कैसा पुश कर लेंगे डी एक्स। ठीक है, तो हमको कौन सा वाला एरिया निकालना है ए बी सी डी, ए वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है, देन द एरिया रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा अवस्थित क्षेत्रफल। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा एरिया वाला कहलाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी ए ये रहेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा कैसे करके निकालेंगे हम इसको, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट कहां से मारेगी ए से बी की ओर।
कहां से कहां गए हम, ए से स्टार्ट किया और कहां जाकर रुक गए हैं बी तक, इतना एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ये अभी देखिए लिमिट किस पे दी हुई थी, एक्स एक्सिस पर लिमिट है हमारे पास में, तो हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, एक्स के सापेक्ष समाकलन किया है और किसके किया हुआ है वाई का, तो फंक्शन वाई का किसमें मिलेगा एक्स में मिलेगा। देखिए लिमिट ने एक्स में दी है तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ फंक्शन कौन आ जाएगा वाई आ जाएगा। ठीक है, सेम यदि एक्स एक्सिस की जगह आपको इस तरीके से मिल जाए इफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई, अब फंक्शन किसने दे दिया वाई में, तो आपको जो लिमिट है वो लिमिट की किसमें मिलेगी वाई में ही मिलेगी, क्या मिल जाएगी एक लिमिट वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी मिलेगा। अब इसका सपोज करते हैं, इसका ग्राफ कैसा बन गया, ग्राफ बनाना है तो सपोज किया ग्राफ ये हमारे पास में, ये ग्राफ बना हुआ है किसका है x इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, अब मान लिया इधर पर x इक्वल टू कितना है a और इधर पर कितना है x इक्वल टू b, तो हमको कौन सा वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इधर नाम दे देते हैं इसको a b c a। अब यहां पर हमको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इसको सेडेट कर देते हैं रीजन। ठीक है, अब इसमें हम एक स्लिप मूव कराएंगे, इस स्लिप को जो मूव कराएंगे उस स्लिप को हम नाम देंगे, वो स्लिप कौन सी मूव होगी डी वाई। अब लिमिट किसमें है, सॉरी x इक्वल टू नहीं है y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। नाउ द एरिया रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा a b c a, a b c a। अब इसमें इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन लिमिट किसमें दी है y में a से b, तो यहां पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा y के रिस्पेक्ट में, और किसका इंटीग्रेशन होगा x का, तो हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां पर देखिए फंक्शन किसमें था x में, किसका था y का, लिमिट किसमें दी थी x में, जब x में लिमिट दी है तो किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए dx लिखा। यहां पर लिमिट किसमें है y में, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया y के रिस्पेक्ट में dy, यहां किसका होगा x का, तो मतलब यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है और यहां पर y की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करना है और हम फिर एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे वक्र के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इनसे इनकी का यूज करके मैं एग्जांपल कराता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y = 2x, x = 0 एंड x = 3, रेखा y = 2x, x = 0 और x = 3 के बीच का हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर लिमिट किस में दी है x में गिवन है, कहां से कहां 0 से 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना है 3, तो x में लिमिट दी है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना के बता रहा हूं, किसका ग्राफ बनाना है y equal to x का, तो y equal to x किसकी तरह है y equal mx की तरह है, या फिर किसकी तरह है y equal x की तरह बोल सकते हैं हम। मैंने सबसे पहले ही स्टार्टिंग में आपको ग्राफ बना के बताया था y equal x का, तो सेम वैसे ही ग्राफ हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये x axis एंड दिस वन इज y axis, तो y equal to x का ग्राफ कैसे पास होगा ओरिजिन से पास होगा, ये मैंने पास कर दिया, तो क्या है ये फंक्शन किसका ग्राफ है किस लाइन का है y equal to x का, कहां से स्टार्ट होता है ये ओरिजिन से, हमको लिमिट क्या गिवन है 0 से 3 के बीच में, तो ये 0 तो हमारे पास में है तो 1 2 एंड 3, तो x equal 3, तो यहां तक का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया जो शेडेड रीजन जो बना रहा हूं ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। सब कुछ क्या ये ओ ये ए एंड दिस वन इज बी, हमको ओ ए बी ए का एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें एक स्लिप मूव करानी पड़ेगी वृत्त जिसकी चौड़ाई रहेगी जिसकी वृत्त रहेगी कितनी डी एक्स। ठीक है, तो हमको रिक्वायर्ड एरिया जो है रिक्वायर्ड एरिया हिंदी में बोलते हैं इसको अभिष्ट क्षेत्रफल,
तो कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, एरिया ओ ए डी, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ये वाले एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहां से शुरू हो रही है, जीरो से, और कहां पे जाके थ्री पर, तो लिमिट हो जाएगा जीरो टू थ्री। एंड किस में लिमिट है, एक्स में, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो किसका होगा, वाई का। तो ये एरिया इक्वल हो जाएगा लिमिट जीरो टू थ्री। क्या लिखा होगा यहाँ पर, हमारे पास में वाई है और वाई इक्वल कितना लिमिट है हमारे पास में, टू एक्स, इस वाई को हटा के क्या लिखेंगे, टू एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए x की पावर कुछ नहीं है, कितनी है 1। अब इंटीग्रेशन करना आते ही है, तो x की पावर n की का क्या होता है, पावर में प्लस कर दीजिए, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, वैसे ही किया, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर y क्या हो जाएगा, 2। और ये जो लिमिट है इनको यहाँ लगा दिया जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर अपर एक्स पार्ट आके अपर लिमिट, तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स हटा के लोअर लिमिट, तो जीरो का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, 9, जीरो को हटा दिया, तो हमारे एरिया आ गया। अब जो एरिया आता है इसकी यूनिट जरूर लिखिए। अब क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको एरिया फाइंड आउट करना है। फंक्शन गिवन है एक्स इक्वल 4 बाय एंड वाई इक्वल 2 एंड वाई इक्वल 4 एंड वाई एक्सिस के बीच में, वाई अक्ष के बीच में हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब सॉल्व किया करेंगे, तो हमारे पास में देखिए क्या कि मैंने x इक्वल इक्वल 4y और y इक्वल 2 एंड y इक्वल 4। तो यहाँ पर ये y इक्वल करके जो गिवन है, ये तो हमारे पास में क्या मिल गई है, लिमिट मिल गई है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट है, और ये कौन सी है, अपर लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नोटिस करने वाली बात क्या है, कि लिमिट किस में गिवन है, y में, इसका मतलब इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, x की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इस x का स्क्वायर यदि हटाऊंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 4y, तो x इक्वल 4 बाहर आया तो 2 रूट वाई आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना जरूरी है, किसका बनाना है ग्राफ हमारे लिए, इसका ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y का। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए किस में स्क्वायर है, x में स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये क्या है, पैराबोला है, किस में स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, तो किस एक्सिस पर बनेगा, y एक्सिस पर बनेगा, तो ये y एक्सिस पर बना दिया, ये बना दिया, ये जो ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसका बन गया है, x स्क्वायर इक्वल 4y, ठीक है। अब देखिए किस कोऑर्डिनेट का बोल रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोल रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, मतलब ये इस साइड वाले एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ओनली इस साइड वाला, ठीक है। यहां लिमिट कितनी है, y इक्वल 2, तो सब कुछ किया 1, ये 2, तो ये y इक्वल कितना मिल गया, 2 मिल गया, ये 3 एंड दिस वन इज 4, तो y इक्वल कितना हो गया, 4। हमको एरिया यहां से लेके यहां तक वाला फाइंड आउट करना है, तो ये वाले एरिया हमको निकालना है, इसको नाम देना पड़ेगा, यहाँ नाम दे देते हैं, ये ए बी सी एंड डी ए, ये वाला एरिया हमको क्या चाहिए, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको सेटेड रीजन बना देता हूँ, छायांकित भाग का क्षेत्र हमको निकालना है, इसमें एक स्लिप मूव करानी पड़ेगी, उस स्लिप जो मूव बनाएंगे उसकी वाई जो रहेगी, चौड़ाई जो रहेगी वो क्या रहेगी, डी वाई रहेगी, ठीक है। तो हमको एरिया कौन सा निकालना है, ए बी सी डी ए, और लिमिट हमारे पास में क्या मिल गई है, एक y equal 2 एंड एक y equal 4 है। Now the required area, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कौन सा वाला एरिया, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन, कर लिमिट क्या रहेगी, 2 से 4, ये क्वेश्चन है ऑलरेडी गिवन, कहां से कहां, 2 से 4, 2 से 4 तक, ठीक है। किस में लिमिट गिवन है, y में, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके सापेक्ष, सॉरी y के सापेक्ष, y में लिमिट है, किसके सापेक्ष हो जाएगी, y के रिस्पेक्ट में,
लिमिट y में दी है, इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में होगा। y में सीमा लिमिट दी है तो y के सापेक्ष ही समाकलन होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कौन आ जाएगा x। तो अब ये x आ गया है तो x की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट करके रखे होंगे। तो x इक्वल क्या होता है टू रूट y। तो x होता है हम क्या लिख देंगे टू रूट y लिख देंगे 2 से 4। इस x को हटा के क्या लिखेंगे टू रूट y एंड dy। अब यहां से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 कॉन्स्टेंट है पैसे के पैसे लिखा इंटू में रूट y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 y रूट y। लिमिट यहां लगा दी ठीक है। इंटीग्रेशन क्या हो जाता है रूट y का 2/3 y रूट y हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट पार्ट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर इस लिमिट के बाहर कर देता हूँ। कितना हो जाएगा 4/3 बाहर हो गया, क्या बचा y रूट y अकेला बचा एंड 2 से 4। अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो पहले मैंने 4/3 को वैसे लिखा। अब सबसे पहले ये तो इनकी जगह क्या लिखेंगे अपर लिमिट पुट किया जाएगा तो y घटा का अपर लिमिट कितना लिखा 4 रूट 4। अब लोअर लिमिट रखने से पहले किसका साइन आएगा माइनस का। अब इसको हटा के लोअर लिमिट क्या रखेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो गया ठीक है। सॉल्व कर देंगे हम इसको तो एरिया इक्वल हो जाएगा 4/3 को हमने वैसे ही लिखा, इधर 4 का रूट अंडर रूट कितना 2, तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ 2 4 जा 8 माइनस ये 2√2 को एडिटिव लिखा। और आगे बढ़ाना हो तो यहां से मैं क्या कामन निकालूंगा 2 कामन निकालूंगा तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा 8/3। 2 कामन निकाला तो क्या बचेगा ये ब्रैकेट के अंदर 4 √2। आप ये यूनिट क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y² = 4x एंड x = 3। y² = 4x और x = 3 के बीच घिरे हुए क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है y² = 4x गिवन है और x = 3 है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट जो गिवन है x में गिवन है और ये हमारे पास एक ही लिमिट है तो एक लिमिट और चाहिए। हमको देखेंगे ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है वहां से हम इसको कर लेंगे। अब x में लिमिट है इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालनी हमको y की, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो y का स्क्वायर यदि हम हटाएंगे तो यहाँ क्या रख जाएगा अंडर रूट। तो y = 4√2 और रूट x के अंदर रूट x। अब हम y को हटा के जब हम सॉल्व करेंगे क्या लिख देंगे 2√x लिख दिया जाएगा ठीक है। अब जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का। अब पैराबोला का है, अब x एक्सिस पर बनेगा या y एक्सिस पर ये हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ देखिए किस में स्क्वायर है y में स्क्वायर है, इस वजह से ये ग्राफ जो है किस एक्सिस पर बनेगा x एक्सिस पर बनेगा। तो एक्सिस पर ग्राफ बना देते हैं ये x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अब ग्राफ देखिए y में स्क्वायर है किस में सिमेट्री रहेगी x एक्सिस पर, तो मैंने सिमेट्री बना दी है पैराबोला की ये बन गया। क्या ग्राफ बना हमारे पास में y² = 4x। अब यहां नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो ग्राफ है कहां से शुरू हुआ है ओरिजिन से मूल बिंदु से, तो 0 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक जाना है x = 3 तक, सब कुछ किया 1 2 एंड दिस वन इज 3। ये क्या मिल गया x = 3। तो इतना पूरे को हम मिला देंगे ये वाला एरिया हमको निकालना है ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी अब इसमें देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है 0 से कहां चला गया है 3 पर, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 3 हो जाएगी। अब हमको ये दोनों एरिया हमको फाइंड आउट करना है, एरिया कौन सा निकालना है ये पूरा एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया हमको निकालना है ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे ओनली वन पार्ट का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे इतने एरिया को, इतने एरिया को हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि जितना एरिया ये है उतना एरिया यहाँ पर है, इसलिए हम एक पार्ट को निकालेंगे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है अभिष्ट क्षेत्र था रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्र पर इक्वल क्या हो जाएगा 2
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, कहां जाती है एंड हो रहा है थ्री पर, जीरो टू थ्री। लिमिट किस में हमारे पास में एक्स में, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डीएक्स लिख दिया, किसका होगा वाई का। अब हमने टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम इतने का एरिया निकाल रहे थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे करके लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया जो है अविष्ट क्षेत्रफल है, किसका ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू एरिया ऑफ, किसका एरिया ओ, इसको ए, इसको बी, ये ओ, तो इस वाले एरिया मतलब टोटल एरिया इतना निकालना है, तो इस एरिया का ये टोटल एरिया कितना रहेगा, डबल रहेगा, तो एरिया ओ ए बी ओ इसका कितना रहेगा टू टाइम्स रहेगा, तो हम इसको ऐसे करके किया टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कहां से जीरो से, कहां तक जा रही है थ्री तक, जीरो टू थ्री, एक्स में लिमिट दी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा इंटीग्रेशन होगा वाई का। अब यहां देखिए वाई हमारे पास में कितना है टू रूट एक्स, तो इधर इस वाई को हटा के क्या लिख दिया जाएगा टू रूट एक्स लिख दिया जाएगा, तो ये टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थ्री, तो लिख दिया टू रूट एक्स एंड डी एक्स, टू को बाहर करते हैं ये कितना हो गया फोर, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टू बाई थ्री एक्स रूट एक्स, और लिमिट जो है वो यहां लग जाएगी जीरो टू थ्री लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा फोर टू जा एट वाई थ्री, लिमिट पुट कर रहे हैं पहले एक्स को हटा के अपर लिमिट, एक्स को हटा के अपर लिमिट लिख लिखा थ्री रूट एक्स फटा के थ्री, अब किसका साइन आएगा माइनस का, अब एक्स फटा के क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बचा क्या एट बाय थ्री एंड थ्री रूट थ्री बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो आंसर आ गया एट रूट थ्री, क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ठीक है। अब क्वेश्चन गिवन है कि प्रथम चतुर्थांश में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया हमको फाइंड आउट करना है, दिस इक्वेशन एंड एक्स इक्वल जीरो एंड एक्स इक्वल टू, तो किसमें निकालना है हमको प्रथम चतुर्थांश में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में एरिया हमको निकालना है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ इक्वेशन है ये हमको मालूम होना चाहिए, ये किसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स और वाई दोनों में स्क्वायर है, कोएफिशिएंट वन है, इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है सर्कल का वृत्त का, तब हमको किसका ग्राफ बनाना है वृत्त का बनाना है। अब एक और बात इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि लिमिट किसमें गिवन है एक्स में गिवन है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, एक्स में गिवन है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे वाई की, तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में फोर, ट्रांसपोज करिए वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लिखा इक्वल में फोर प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का हो गया, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट वाले में क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या किसकी वैल्यू चाहिए हुई थी वाई की वैल्यू निकाल ली, क्यों क्योंकि लिमिट किस में गिवन है एक्स में। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, देखिए किसका ग्राफ बनाना है हमको सर्कल का, और सर्कल का ग्राफ मैंने बनाने बताया था कैसे बनेगा इस टाइप से, ठीक है। अब इसका सेंटर क्या दी, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्ट दी है, जिसका सेंटर जो है हो जाएगा वो जीरो जीरो, रेडियस दी है मूल है फोर को स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके हम कैसे लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी मिल गई हमको टू, रेडियस कितनी है टू। अब क्वेश्चन में देखिए हमको बोला है ओनली प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो केवल इस वाले हिस्से का हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया हमको निकालना है, ना कि पूरे वृत्त का, ना कि फुल सर्कल का, ठीक है। तो ये वो हो गया इसको ए और इसको बी, तो ये वाला एरिया जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूँ छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, और ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक एक्स इक्वल जीरो से ये लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू टू तक, यहाँ तक हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्लिप मूव कराई जाएगी, उसको क्या नाम दिया जाएगा डी एक्स, तो हमको एरिया निकालना है रिक्वायर्ड एरिया,
तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास में, आवृत्त क्षेत्रफल। तो क्या होगा एरिया ऑफ कौन सा वाला एरिया, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल कैसे। अब ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, इधर किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे इंटीग्रेशन। कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से, तो कहां एंड करना है टू पर, जीरो से टू तक। लिमिट किस में लिखी थी, एक्स में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इसलिए हमने लिख दिया डी एक्स। किसका होगा वाई का, तो हम कर देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से टू। अब हमारे पास में ये जो वाई लिखा हुआ है, इस वाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, रूट ऑफ फोर इस माइ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स की जगह डी एक्स। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैं स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड फार्मूले में देखिए कन्वर्ट करने के लिए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई होगा, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या होता है वन बाय टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई ए। मतलब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो कंपेयर करिए ए की जगह आपको टू लिखना है और एक्स की जगह कितना लिखना है एक्स। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया ए से डिनोट कर देता हूँ, तो ए इज देयरफॉर ए इक्वल, इतने पूरे को इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे हम। फार्मूले देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है वन बाय टू एक्स की जगह एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह कितना रखना है टू, तो ये हो गया टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना लिखना है टू का स्क्वायर एंड साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना लिखना है एक्स लिखना है, लेकिन ए की जगह कितना लिखना है टू। ये बस मैंने फार्मूला अप्लाई किया है इस पर, और फिर ये जो लिमिट लिखी है इस लिमिट को मैंने यहाँ लिख दिया जीरो से टू। अब हम एक्स को हटा के सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट, जहां जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां वहां पर क्या लिख देंगे टू लिख देंगे। तो एरिया इक्वल वन बाय टू एक्स को हटा के कितना लिखा टू रूट ऑफ टू का स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स को हटा के क्या लिख दिया टू का स्क्वायर प्लस ये टू का स्क्वायर तो फोर हो गया एंड दिस वन इज साइन इनवर्स एक्स को हटा के कितना लिखेंगे टू और अपान में कितना है टू। ये पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, अब एक्स को हटा के लोअर लिमिट रखेंगे माइनस, तो यहाँ देखिए एक्स को हटा के जीरो रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, हो गया प्लस, और ये प्लस जाएगा माइनस टू का स्क्वायर फोर एंड साइन इनवर्स एक्स को हटा के जीरो रखूंगा तो जीरो बाई टू हो जाएगा, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना पूरा भी देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो, हटा देंगे ये टू से टू कितने बार कैंसिल हो गया वन टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्या मिला वन बाई टू ये जीरो हो गया, हटा देते हैं बचा यहाँ पर कितना फोर एंड साइन इनवर्स कितना आया वन आ गया, ठीक है ये जीरो हो गया पूरा हटा दीजिए क्योंकि साइन इनवर्स जीरो क्या होता है जीरो होता है। तो हमारे पास में ये रिक्वायर्ड एरिया वन बाय टू ब्रैकेट के अंदर फोर की जगह फोर लिखा। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स वन, तो साइन की किस एंगल की वैल्यू वन होती है 90 डिग्री की होती है और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई बाय टू, तो ये फोर पाई ऊपर बना नीचे टू टू जा कितना हो गया फोर, तो यहाँ फोर से फोर कैंसिल तो आंसर कितना आया पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब देखिए इस आंसर को चेक करना है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं है, देखिए इक्वेशन क्या है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में फोर, इसको सर्कल के इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखें ये कितना लिखेंगे टू का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस हमको कितनी मिल गई ए इक्वल टू। नाउ द रिक्वायर्ड जो एरिया है हमको केवल इतने पार्ट का एरिया हमको निकालना है, ये टोटल सर्कल का जो एरिया है उसका कौन सा हिस्सा वन फोर्थ है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमको निकालेंगे कैसे निकालेंगे कि वन फोर्थ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आएगा तो लिखा यहाँ पर वन बाय फोर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह रेडियस यहाँ क्या सब कुछ किए ए और ए कितना है टू, तो क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर, तब यहाँ देखिए टू फोर से टू का स्क्वायर कैंसिल केवल कितना हो गया पाई, यहाँ पर भी कितना आंसर आया पाई, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है राइट, ठीक।
क्वेश्चन है ब्रेथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड होल एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट आईएमपी 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर ऑलरेडी हमको मालूम है, क्या मालूम, देखिए पहली बात तो रेडियस हमको क्या मालूम है, a मालूम है, ठीक है। अब पूरा क्षेत्रफल चाहिए हमको, वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल चाहिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने ऑलरेडी 10th क्लास में क्या याद कर रखा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर की जगह रेडियस क्या गिवन है, ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें हम पाई जो क्वेश्चन इक्वेशन जो गिवन है सर्किल की, उस सर्किल की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। सर्किल की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण लिखा। अब इसमें चाहे आप एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की, यदि आप वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लिमिट हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, और यदि एक्स की वैल्यू निकाल रहा है तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई की। तो यहाँ पर मैं वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ ट्रांसपोज करके, वाई को यही लिखा वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस हो गया, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ लग जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको मिल गया वाई की वैल्यू, ठीक है। अब मैं सर्किल का ग्राफ बनाता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए अब यहां पर देखिए x और y दोनों में स्क्वायर रहता है सर्किल में, इसलिए दोनों एक्सिस पे सिमेट्रिक रहता है, जैसे x एक्सिस पे ऊपर रहेगा वैसे नीचे रहेगा, जैसे y एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वैसे ही राइट हैंड साइड में रहेगा। तो ये मैंने सर्किल बना दिया। अब इसमें हमें उसकी सेंटर की जरूरत पड़ेगी, सेंटर क्या है इसमें, ओरिजिन जीरो जीरो, ठीक है। रेडियस कितनी है हमारे पास में, ए, ये कहां तक जाएगा मान ली ए तक, तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए तक, तो इसकी क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ए कामा जीरो। अब यहां देखिए हम कहां से कहां जा रहे हैं, मान ली जीरो से ए तक जा रहे हैं, तो लिमिट क्या मिलेगी हमको जीरो से ए। अब हमको एरिया निकालना पूरे सर्किल का, लेकिन हम एरिया निकालेंगे ओनली इस शेडेड रीजन का, और ऐसे कितने पार्ट है 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हम एरिया निकालेंगे ओ ए बी का, ओ ए बी का एरिया निकालेंगे और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक स्लिप मूव कराई जाएगी, इस स्लिप जो मूव कराई जाएगी उसको क्या नाम देंगे, डी एक्स नाम, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास में, रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा देखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया अब इसके क्षेत्रफल हो जाएगा 4 × कितने का मल्टीप्लाई कर रहा है 4 का, क्यों, क्योंकि ऐसे कितने पार्ट है हमारे पास में 4 × एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको टोटल सर्किल का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हम केवल कितने पार्ट का निकाल रहा है, ऐसे हमारे पास में कितने पार्ट दिए हैं 4 पार्ट दिए हैं, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया को अपन ए से डिनोट कर दे रहे हैं, यहां पर ये 4 की जगह 4 लेगा, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से स्टार्ट होगी 0 से, और कहां आके रुक जाएगी ए पर, तो ये हो गया 0 to 8 y x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया ना। अब हमारे पास में क्या है, ये y गिवन है और y की वैल्यू हमारे पास में ये है, तो y घटा क्वेश्चन गिवन क्या है, ब्रेथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड होल एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, ये क्वेश्चन गिवन है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने ब्रेथ का समीकरण लिखा, जो इक्वेशन गिवन है लिख दिया, इधर मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y की वैल्यू निकालना तो x स्क्वायर के इधर कर दिया तो किसका हो गया माइनस का, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए ब्रेथ है सर्किल, पहले मैंने सर्किल बनाया, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, रेडियस क्या है a, तो कहां तक चले गए a तक चले गए, ठीक है। हमको होल एरिया निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल हमको निकालना है, हम क्या करेंगे कि केवल इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे, किसका निकालेंगे, केवल इस हिस्से का, इस हिस्से का निकालेंगे, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो लिखा रिक्वायर्ड एरिया 4 × एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 4 गुणा
क्षेत्र ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ये फोर दिया गया, फोर लेगा लिमिट जीरो से ए तक है इंटू वाई और डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, फोर की जगह ये फोर लिखा इंटीग्रेशन जीरो से ए, ना ये जो वाई लिखा है वाई की जगह वैल्यू हमारे पास में ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स की जगह डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फार्मूला है, यहाँ स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर की जगह फोर लिखा है इन टू, इस स्टैंडर्ड फार्मूले का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी लिखा था वन बाई टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये जो लिमिट है इस ब्रैकेट के बाहर यहाँ लगा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है उस x हटा के ये अपर लिमिट पुट करेंगे, ये इसको कैंसिल कर दिया, कितनी बार कैंसिल हो गया टू टाइम्स, टू टू या फोर। नाउ x हटा का अपर लिमिट क्या लिखा, a रूट ऑफ ए स्क्वायर, x हटा का अपर लिमिट क्या लिख दी a, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x हटा का अपर लिमिट क्या लिखी हमने a अपान में a। अब लोअर एलिमेंट रखेंगे क्या, माइनस का साइन लगा के क्या पुट करेंगे जीरो, यहाँ देखिए जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अगर जीरो वाई ए, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इधर ए से ए कितने बार कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और इतना पूरा हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या टू, ब्रैकेट के अंदर इस ए स्क्वायर को लिखा और साइन इनवर्स कितना है वन, ये पूरा जीरो हो गया, हटा देंगे बचा केवल कितना टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको मालूम होने चाहिए ये जो साइन नाइन साइन वन इनवर्स वन है तो कितना होता है फाइव बाई टू, तो इसको हटा के कर लेंगे फाइव बाई टू, तो यहाँ पर ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो एरिया क्या क्या पहले लिखा फाइव फिर क्या लिख देंगे ए स्क्वायर स्क्वायर इन स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्वेश्चन है वक्र कर्व एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल वन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया, इसका होल एरिया निकालना है। पहले तो यहाँ देखिए हमको ये मालूम होना चाहिए किसका इक्वेशन है एलिप्स का दीर्घवृत्त, स्टार्टिंग में मैंने पहले समझा दिया किसका इक्वेशन है दीर्घवृत्त का, इसका एरिया भी मैंने बोला था याद कर लेना, इसका एरिया क्या आएगा क्षेत्रफल पाई ए बी, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पहले जो इक्वेशन के मैंने उसको लिखिए। ठीक है, अब ट्रांसपोज करके मैं किसकी वैल्यू निकालूं y की, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर को एलिप्टिक लिखा इक्वल कितना है वन, ये प्लस का है इधर आके किसका हो गया माइनस का, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और पक्षांतर करिए तो वाई स्क्वायर इक्वल में ये अपान में है तो यहाँ आ जाएगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब इसका मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो अंडर रूट लग जाएगा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए तो वाई इक्वल बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर कहाँ जाएगा अंडर रूट के बाहर, स्क्वायर कैंसिल हो गए अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना बचा हुआ है। अब इसमें देखो ये आपको वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास में y की ये वैल्यू आ गई है, अब मैं पहले इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, किसका हमको ग्राफ बनाना है दीर्घवृत्त का, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया है, तो देखिए ग्राफ बनेगा ये इसका इस टाइप से, किसके शेप में रहता है अंडाकार होता है एग के शेप में रहता है, ये एग के शेप में बना दिया। ठीक है, अब इसका जो सेंटर रहेगा ये क्या रहेगा ओरेंज रहेगा जीरो जीरो, अब x के अपान में कौन है a है तो ये x एक्सिस के लिए, y के अपान में b है तो y एक्सिस के लिए, यहाँ पर देखिए ये वाले पॉइंट की हमको रिक्वायरमेंट होगी a, ये क्या हो जाएगा a कामा जीरो है, इसको भी लिखना है b तो ये हो जाएगा जीरो कामा b। ठीक है, हमको तो ये होल एरिया फाइंड आउट करना है लेकिन हम केवल एरिया कौन सा निकालेंगे ये वाला, और ऐसे कितने पार्ट है
फोर पार्ट हैं, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर से आप लिमिट की जरूरत है, लिमिट क्या हो जाएगी जीरो और से कहां तक जाएंगे ए तक, तो हम ये वाला एरिया निकालेंगे और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से, तो इसमें क्या रिमूव कराएंगे, स्लिप रिमूव कराएंगे डी एच, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आविष्टित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फोर इंटू एरिया ऑफ किसका ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। अब इसको एरिया को किससे डिनोट कर देना है ए से, तो फोर इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से ए, तो जीरो से ए लिमिट लगा दी, वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया y, तो ये y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में ये आई है, तो यहाँ पर लिखा 4, इस y को हटा के ये इतना पूरा लिख रहा है, कितना है हमारे पास में b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और लिमिट हमारे पास में क्या चल रही है जीरो से a चल रही है, एंड दिस वन इज dx। अब इसमें पहले b अपॉन a जो है इसको बाहर कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया 4 b अपॉन a को बाहर कर दिया, तो इस इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx। अब यहां पर देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड फार्मूला का इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड फार्मूला वाला अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या लिख रहे हैं एरिया a इक्वल कितना चल रहा है 4b अपॉन a। अब स्टैंडर्ड फार्मूला का इसका फार्मूला क्या रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड लिमिट क्या चल रही है जीरो से ए, लिमिट हमारे पास में क्या चल रही है जीरो से ए, तो जीरो से ए लिखा, यहां पर इस टू को अपन बाहर कर देंगे, दे बन गया 4b अपॉन ए इंटू 1/2, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो जहां जहां पर ये एक्स लिखा हुआ है उस x को हटा के ये अपर लिमिट क्या लिखेंगे a, यहाँ देखिए 1/2 को तो ये बाहर कर लिया, x को हटा के क्या लिखा a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x को हटा के a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स इस x को हटा के a अपान में a माइनस, अब हम क्या पुट करेंगे जीरो, तो ये जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाता है पूरा जीरो हो जाता है, सिर्फ मैं डायरेक्टली जीरो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, इधर a से a कितनी बार कैंसिल हो गया 1 टाइम, और इतना पूरा पार्ट देखिए ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इसे हटा देंगे तो ऊपर कितना बचा है 2b और अपान में क्या है a, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या बचा हमारे पास में a स्क्वायर एंड साइन इनवर्स ओनली 1, अब सिंस साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, तो ये एरिया इक्वल 2b अपान a, क्या बचा है यहां पर a स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2, अब यहां पर ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया और a से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या b और ब्रैकेट के अंदर a पाई, इसको अरेंज करके लिखेंगे पाई a b, क्या स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई आंसर आ गया। अब इसकी तरह देखिए यहां पर क्वेश्चन सेम इसकी तरह, ये क्वेश्चन गिवन है, ये जो क्वेश्चन दिया है यदि इसकी जगह कैसा दे दें हमारे पास में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, इसकी जगह से हम ऐसा दे सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई 9 प्लस वाई स्क्वायर वाई 4 इक्वल में कितना है 1, तो इसको आप पहले सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालोगे y की, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई 2 का स्क्वायर इक्वल में 1, तो हमारे पास में इक्वेशन यदि y की बनाना है डायरेक्टली इधर हम क्या बन जाएगा y इक्वल 2y3 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एरिया हमको निकालना है, तो एरिया इक्वल हो जाएगा 4 इनटू लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 3 n बाय dx, पूरा इसी की तरह प्रोसेस रहेगा, और आंसर में भी हमको चाहिए तो यहां देखिए a की वैल्यू इधर लिमिट 0 से 3 तक, ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर करिए a की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और हमारे पास में एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई ab, तो ये बन जाएगा पाई a कितना है 3 और b कितना है 2, 3 एंड 2 तो कितना बन जाएगा 6 पाई, सॉरी फाइंड द एरिया अंडर द कर्व पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, परवलय
और इसकी नाभिल हम जीवा के बीच के क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले पैराबोला क्या दिया मैंने, y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल अंडर रूट 4ax हो गया। तो y इक्वल 4 तो अंडर रूट के बाहर आ गया, रूट a को अलग कर दीजिए और रूट x को भी अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दिए इनको, ठीक है। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, पैराबोला का। तो ये पैराबोला का हम ग्राफ जो बना रहे हैं, तो इसमें देखिए कि किसमें स्क्वायर है, वाई में स्क्वायर है, मतलब किस एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला बना दिया, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीरो जीरो से, ओरिजिन से। कहाँ तक निकालना है इसकी नाभि लंब जीवा, लेटस रेक्ट हम, तो ये नाभि लंब जीवा ये रहती है। तो इसको यहाँ पर जो पॉइंट रहता है वो खोखी रहता है, बताया था ये क्या रहेगा, ए कहाँ जीरो। अब हमको एरिया कौन सा निकालना है, हमको एरिया तो ये पूरा फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया हमको निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे ये वाला और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ठीक है। हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ये सेटेड एरिया निकालेंगे, और इसमें क्या मूव कराने पड़ेगा, हमको एक स्लिप मूव करानी पड़ेगी, उस स्लिप को क्या नाम देंगे, डी एक्स, ये ओ एस यहाँ ए नाम दे देते हैं। तो हम ये वाला एरिया निकालेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया अब इसके क्षेत्र का, अब इस क्षेत्र क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा वाला एरिया निकालेंगे, ओ एस बी ओ, ओ एस बी ओ। तो एरिया को ऐसे लिखा, 2, लिमिट क्या मिल गई हमको, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक क्या जाएगा, ए तक, तो लिमिट हो गई 0 टू ए बाय डी एस। तो वैल्यू कर लीजिए 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए, ठीक है। अब हमारे पास में y कितना है, y हमारे पास में ये, इसको y घटाते हैं, ये पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं 2 रूट ए रूट एक्स एंड डी एक्स, ये 2 बाहर आया कितना हो गया, 4 हो गया, और रूट ए कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन अंदर 0 टू ए रूट एक्स एंड डी एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, 4 रूट ए इंटीग्रेशन रूट एक्स का क्या होता है, 2 बाई 3 एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स 0 टू ए, ये कॉन्स्टेंट इनको बाहर कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 4 का हुआ है अपॉन 3 रूट ए, बचा केवल क्या, एक्स रूट एक्स 0 टू ए। अब हम क्या करेंगे, इस x को हटा के अपर लिमिट क्या रख देंगे, a, ये बन जाएगा 8 by 3 root a, x को हटा के अपर लिमिट लिखना a root a minus lower लिमिट क्या रखेंगे, 0, तो ये 0 हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये एरिया इक्वल कितना हुआ, 8 by 3 root a का root a में होगा तो मिल जाएगा a और a, तो क्या बन गया, 8 upon 3 a square, a square unit आंसर आ जाएगा।